हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और सोचा कि साल का एंड होने वाला है तो किसी का रोस्ट करके नहीं बल्कि एक अपनी अमेजिंग से स्टोरी टाइम वीडियो के साथ आपको इस साल का एंड करवाया जाए। सो होप यू गाइस लाइक दिस वन, सो लाइक द वीडियो एंड चलिए शुरू करते हैं। है क्लास 8 की, जब हमारा दिसंबर मंथ यानी कि हमारा क्रिसमस मंथ चल रहा था। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे हमारे क्लास में, और मेरे क्लास के कुछ गर्ल्स ने अपने ग्रुप में प्लान बनाया था कि हम लोग इस क्रिसमस मंथ में एक छोटी सी पार्टी करेंगे या क्लास में पार्टी करेंगे और पूरे क्लास करें। सिर्फ वही गर्ल्स का जो ग्रुप था उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम मस्त पार्टी वार्टी करेंगे, लंच पीरियड में कुछ खाने वाने का ले आएंगे। ये सब प्लान हो गया। नेक्स्ट डे वो लोग प्लान के अकॉर्डिंग सामान ले आती हैं और भाई कसम से लग रहा था पूरा ग्रोसरी स्टोर ही उठा के ले आया उन लोग। बट या लास्ट बेंच में पूरा बैग में तो अट रहा नहीं था, जैसे तैसे ले आई थी, लास्ट बेंच में डाल देती हैं। एज अ क्लास मॉनिटर मुझे पता था। सो सारा चीज़ हो जाता है, दिन भर अच्छे से निकलता है और पीरियड आता है हमारा थर्ड पीरियड, मीन हमारा फिजिक्स का पीरियड। फिजिक्स के सर आते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। एवरीवन वाज लाइक या सर यस सर यस सर। क्लास चल रही थी आराम से, सारे लोग पढ़ रहे थे और हमारी रो में यानी गर्ल्स रो में बॉयज़ रो पूरा भर गया था। तो लास्ट का जो एक सीट था उस पर दो बॉयज़ बैठे हुए थे। सो उन लोग बदमाशी करता रहा था कब से, सर बार बार नोटिस कर रहे थे बट इग्नोर कर दे रहे थे। चलो ठीक है, क्लास डिस्टर्ब हो गई। बट जब सीमा पार हो गई, सर गए, उठाया, तबड़ाक तबड़ाक पीट दिया, लौटने लगे मार के दोनों को। जब लौटते टाइम उनके डेस्क पे नज़र पड़ी एंड ही वॉज शॉक टू सी इतना सारा जंक फूड। वो पूरा एकदम डांटने लगे खड़ा होकर, पूछे कौन लाए कौन लाए। पहली बार में तो किसी ने नहीं बताया, दूसरी बार में लोगों ने बता दिया कि हाँ सर हम लाए थे। ये सब चीज़ें हो गई। सर वॉज लाइक ओ तो ये बात है। वहीं से गुजर रहे थे उस दिन प्रिंसिपल सर, उस दिन राहू के तो ना सब हमारे क्लास के ऊपर आके सवार हो गया था। प्रिंसिपल सर जा रहे थे, सर आए, उन्होंने बोला सर देखिए बच्चे ऐसे ऐसे लाते हैं, पार्टी करते हैं, दिस दैट ब्ला 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 ब्ला। प्रिंसिपल सर ने हमें खूब डांटा। अब सबकी तब सनक गई सर पे जब सर ने ये बोल दिया प्रिंसिपल सर के सामने कि इन बच्चों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया है कि कौन लाया था, जबकि हमने एक्सेप्ट करा था कि सर हम लोगों ने लाया है। और जो उन लोगों ने लाया था रियली में, उन लोगों ने बताया सर अपना अपना नेम कि सर हम लोग लाए हैं और पार्टी का प्रोग्राम था। सबका उस टाइम एकदम दिमाग घूम चुका था। टाइम प्रिंसिपल सर वहाँ से चले जाते हैं और नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल सर ने कल घर जाकर फुल एकदम अपने हाथों से एक नोटिस लिखा है। और उस नोटिस में क्या क्या था ये तो आगे पता चलने वाला था, बट इतना ही सुन के सबको लग गया कि हो गया कांड भाई। प्रिंसिपल सर ने स्वयं अपने हाथों को कष्ट देकर लिखा है। ये सब हो जाता है, नोटिस आता है क्लास में, ऐसे एकदम फीलिंग आ रही थी जैसे बादशाह अकबर ने पैगाम लिखा हो और सबको पैगाम पढ़ाया जा रहा हो बार 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 बार, हर क्लास में जाके पढ़ा जा रहा था। हमने पढ़ा, नॉर्मल थे कि रिस्ट वॉच नहीं लाना है, मोबाइल फ़ोन नहीं लाना है, दिस दैट। एंड सबसे कंपलसरी था कि आप पैक्ड फूड नहीं ला सकते स्कूल में। अब भाई ये सुन के हमारा दिमाग ख़राब हो गया। इसी मंथ तो हमारी बेस्ट फ्रेंड यानी पांडा का बर्थडे है, या हम पाँच लोगों का ग्रुप है आपको पता होगा तो, एंड पांडा का उसी मंथ में बर्थडे था। एंड वी वॉज लाइक यार अब कैसे पार्टी करेंगे। बहुत हमने दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया, तब मेरे क्या हम सब के खुराफाती दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया कि पैक्ड फूड लाना मना है। हम लोग उसे लंच बॉक्स में डाल के तो ला ही सकते हैं, लाइक चिप्स वगैरह लंच बॉक्स में डाल लेंगे, ले आएंगे, खा लेंगे। स्कूल का रूल भी लग जाएगा, नियम भी नहीं टूटेगा किसी तरह का कोई। तो ये सब हो गया। फिर बर्थडे का डेट आता है, 25 दिसंबर को छुट्टी रहती है तो 24 को हमने पार्टी करने का सोच लिया था। ये सब हो गया। नेक्स्ट डे वो लाती है एंड हम पता चलता है कि वो रैपर में यानी कि चॉकलेट लाती है जो कि लंच बॉक्स में नहीं था, रैपर में था। एंड ये सुन के ऐसे लगता है सर मेरी हार्ट अटैक आ गया हमें। ये सब हो जाता है। अब फिर हमें जुगाड़ लगाने की ज़रूरत थी। बहुत दिमाग लगाने के बाद हमें पता चलता है कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, हम सब ने पहने हुए स्कूल के ब्लेजर्स, और स्कूल के ब्लेजर्स में होते हैं लॉन्ग लॉन्ग स्लीव्स। क्यों ना उसको पकड़ा जाए, यानी कि चॉकलेट को पकड़ा जाए बैग में से, हैंड शेक करते हुए स्मगलर्स की तरह उसे एक पैकेट से दूसरे पैकेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और जो पैक्ड फूड है जो वो लाई है उसको घर पे खा लिया जाएगा, और जो लंच बॉक्स में है उसे हमने खा लिया लंच पीरियड में। ये सब हो गया, हमने एक दूसरे से ऐसे शेयर किया एंड कतई स्कैमर वाली स्मगलर वाली फीलिंग आ रही थी। एंड उस दिन जब हम लोग स्कूल से ऐसे बाहर निकले ना छुट्टी टाइम, सचमुच स्कैम करके मज़ा आ गया था। उसके बाद सब कुछ हो गया एंड यार क्या बताऊँ, वो टाइम तो बहुत ही मज़ेदार था। लाइक हमने स्कूल का रूल भी नहीं तोड़ा, रूल का रूल भी रह गया, लाइक 50-50 रूल टूटा भी नहीं भी टूटा। एंड उसी टाइम मुझे पता चला, मतलब कुछ टाइम पहले ही, लाइक मैं
वॉशरूम से लौट रही थी, तब मैंने एक बच्चे को देखा जो कि शायद प्रिंसिपल चैम्बर से आ रहा था, एंड वो बच्चा फुल गुस्से में था। प्रिंसिपल सर ने मेरे मेरे फ्रेंड से, मुझसे, मेरे सबका चॉकलेट वगैरह छीन लिया, आज मेरा बर्थडे था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एंड उस वक्त सुन के ना भाई मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हम सबका दिमाग फिजिक्स वाले सर पे घूमा हुआ था। यार ये क्या तरीका है, आप हमें वार्निंग दे के भी तो छोड़ सकते थे ना, जाके पूरा का पूरा अपने प्रिंसिपल सर के सामने इंप्रेशन दिखाने के लिए झाड़ दिया। खैर ये सब हो गया, वो दिन अच्छे से बीत गया और हमने स्कैम भी कर लिया। हाँ प्रिंसिपल सर को पता चलते चलते बचा था, क्योंकि प्रिंसिपल सर उस दिन भी हमारे क्लास में आए थे चेक करने के लिए कहीं किसी ने कुछ लाया तो नहीं है 24 को, क्योंकि 25 को क्रिसमस था तो मे भी कोई बच्चे पार्टी कर सकते थे। एंड यार सर ने हमें हाथ मिलाते हुए देख लिया, सर ने कहा ये क्या हो रहा है, हमें बोला सर हम लोग क्रिसमस विश कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब सर के सामने झूठ बोल के बचे भाई, मज़ा ही आ गया क्या बताएं। खैर सो होप यू लाइक दिस वन, एंड या आप लोग बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, सो प्लीज़ कर लो, एंड मे बी आप लोगों को स्टोरी टाइम अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड कमेंट करके अपने किसी स्कैम के बारे में बताना, अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया है या फिर कोई स्कैम किया है अपने स्कूल में तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और या आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, ये वीडियो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड कर ली थी बट आई एम लेजी टू रिकॉर्ड एंड एडिट समथिंग, सो या ये लेट आ रही है। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज इन एडवांस एंड सी यू इन द नेक्स्ट ईयर, तब तक के लिए बाय बाय।